लोग साथ देकर फिर बीच में छोड़ देते हैं। आखिर क्यों सिंगर बॉय अमरजीत जयकार को इंडियन आइडल वालों ने धक्के मारकर अपने शो से निकाला? जी हां दोस्तों, क्या है पूरा मामला और किस लिए अमरजीत जयकार को इंडिया आइडल में मौका नहीं मिला, आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताऊंगा। दोस्तों एक गीत जिससे रातों रात स्टार बन गया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के अमरजीत जयकार, जो की एक छोटे से गाँव का रहने वाला है और उनका एक गीत रुख जिंदगी ने इस तरह मोड़ा। इस गीत से वो काफी फेमस हुआ और काफी वायरल भी हुआ, जिसके बाद इसे इंडिया आइडल के लिए बुलाया गया। वहाँ पे इन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद से इंडिया आइडल पर वो काफी जम गए और कहीं ना कहीं अब अमरजीत जयकार का आगे का करियर पूरी तरह बन गया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे अमरजीत जयकार सीधे आर्ट्स से फर्श पे आ गिरे हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और क्यों इंडिया आइडल से अमरजीत जयकार को निकाला गया, क्यों उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। दरअसल जब अमरजीत जयकार को इंडिया आइडल वाले यानी कि हिमेश रेशमिया ने मुंबई बुलाया और उन्हें इंडिया आइडल में गाने का मौका भी दिया, जिस पर अमरजीत जयकार खड़े उतरे और काफी अच्छा भी गाया। लेकिन जब हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपना एक सॉन्ग गाने के लिए बोला, तब अमरजीत जयकार थोड़ा सा लड़खड़ा गए, जिसके बाद से हिमेश रेशमिया ने ये साफ साफ कहा कि तुम्हारे से बहुत सारे कलाकार आए, बहुत सारे सिंगर आए और गए, और अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, बस तुम गांव में ही और सोशल मीडिया पे ही अच्छे हो और वहाँ ही अच्छे गा सकते हो, तुम्हारे लिए फिल्मी कैरियर नहीं है और तुम आगे गीत नहीं गा सकते हो। जिसके बाद अमरजीत जयकार को काफी बुरा लगा और उन्हें इंडिया आइडल से फिलहाल अभी निष्कासित कर दिया है। और आगे क्या होगा, क्या इसे फिर से इंडिया आइडल में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्या अमरजीत जयकार को इसी तरह सोशल मीडिया पर गीत गाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर दूंगा। धन्यवाद।